हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग सीए फाउंडेशन के आरटीपी मई 2021 का क्वेश्चन नंबर 4 का ए सॉल्व करेंगे, जो कि कैश बुक से पूछा गया है। आइए सवाल पढ़ते हैं। प्रिपेयर ए ट्रिपल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस फॉर द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ। बोल रहा है आपको क्या बना के दिखाना है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। क्या हम लोग ऑलरेडी कैश बुक पढ़े हैं? बिल्कुल। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए मेरे चैनल का, वहां पे आपको कैश बुक का प्लेलिस्ट मिल जाएगा और उसके अंदर जो वीडियोस है उसमें स्टडी मटेरियल भी कवर है और कॉन्सेप्ट भी कवर है। तो पहले आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है ईयर चल रहा है 2020, सितंबर का महीना चल रहा है। पहला, कैश इन हैंड 6000, कैश एट बैंक 24000। ये क्या है सर? ये तो डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी है, ओपनिंग बैलेंस है कैश और बैंक का। क्या कैश का कभी क्रेडिट बैलेंस हो सकता है? हम बोले नहीं। लेकिन बैंक का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है? हम बोले हाँ सर, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है। इस केस में सर दोनों ही का डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस बीडी लिख दीजिए। हम बोले चलो कैश बुक का फॉर्मेट तैयार है हम लोग का। सबसे पहले कौन सा ईयर चल रहा है? 2020, तो दोनों साइड लिख लेते हैं 2020। पहला सितंबर 1, क्या लिखेंगे? डेबिट साइड में सर लिखिए टू बैलेंस बीडी, 6000 कैश में, 24000 बैंक में। हम बोले हाँ। नेक्स्ट, पेड इनटू बैंक 2000। सर ये कॉन्ट्रा एंट्री है, क्या होगा? बैंक में पैसा जमा किए। बोलिए सीए साहब, सर कैश बुक का रूल है पैसा आता है डेबिट में, पैसा जाता है क्रेडिट में। कॉन्ट्रा एंट्री में किसके पास पैसा आया? बैंक में पैसा आया, तो सर डेबिट में लिखो टू, डेट भी लिखो सेप्टेंबर 2। किसका नाम लिखे? कैश का, कॉन्ट्रा, और पैसा किसमें लिखे? बैंक में। बैंक में पैसा आया तो डेबिट में। सर कैश से पैसा गया? हम बोले हां। सितंबर 2, बाय बैंक, नाम किसका लिखेंगे? बैंक का, कि सर बैंक में पैसा गया, और पैसा किसमें लिखेंगे? कैश के अंदर। हम बोले बिल्कुल। 5 तारीख, बाउट फर्नीचर एंड इशूड चेक 3000। फर्नीचर खरीदे, बदले में चेक इशू कर दिए, तो सर फर्नीचर खरीदे और चेक इशू किए तो बैंक से पैसा गया, बाय फर्नीचर, क्रेडिट में लिखेंगे। पैसा आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। 5 तारीख सितंबर 5, पैसा बैंक से गया, कितना रुपया? 3000। नेक्स्ट, उसके बाद लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश, सामान खरीद रहे हैं कैश में, सर पैसा गया, डेट है सितंबर 8, बाय परचेज, किसमें खरीदे हैं? कैश में, सर कैश में खरीदे हैं तो कैश कॉलम में लिखो 1000 रुपया। नेक्स्ट, फिर लिखा है 12 तारीख, रिसीव कैश फ्रॉम मोहन, मोहन से कैश मिल रहा है, सर पैसा आया, आएगा तो किस साइड? डेबिट साइड। किससे मिला? मोहन से। कितना पैसा मिला है मोहन से? 1960, और मोहन को डिस्काउंट दिए 40। उसके बाद कैश में सेल किए 10000, सर पैसा फिर आया, टू सेल्स 10000, डेट है उसका 14 सितंबर। अगला, पेड टू अमर बाय चेक, अमर को पेमेंट किए चेक से, सर पैसा गया, सितंबर 16, किसको पे किए? अमर को। चेक से पेमेंट किए तो पैसा कहां से गया? बैंक से, तो सर बैंक में लिखो। और डिस्काउंट मिला कितने रुपए का? 100 रुपए का। फिर लिखा है पेड इनटू बैंक, सर फिर से कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक में पैसा जमा किए, कितना? 1000 रुपया। बैंक में जमा किए तो सर बैंक में पैसा आया, तो बैंक तो डेबिट में लिखेगा अपना। हम बोले हां, टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक में पैसा आया, डेट कितना है? 19 सितंबर। बैंक में आया तो बैंक डेबिट में लिखा, सर कैश से तो पैसा गया तो कैश क्रेडिट में लिखेगा। नाम बैंक का, कॉन्ट्रा। आगे बढ़ो, उसके बाद लिखा है विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज 1200। बैंक से प्राइवेट यूज के निकाले, सर ड्राइंग है,
सितंबर 23 बाय ड्रॉइंग, कहां से निकाले हैं? बैंक से, तो बैंक से पैसा गया कितना रुपया 1200। अगला 24 तारीख रिसीव चेक फ्रॉम पारुल 2860 अलाउड हिम डिस्काउंट 40। पारुल से चेक मिला, क्या क्वेश्चन ये लिखा है कि चेक हम बैंक में जमा कर दिए? नहीं सर, कुछ नहीं बताता है तो हम लोग फिर क्या मानते हैं कि जो चेक है वो कैश का काम करेगा। आप पैसा कैश में लिखिए कि पैसा कैश में आया, हम बोले ठीक। सितंबर 24 टू, नाम क्या, किससे किससे मिला है? पारुल से, टू पारुल। पैसा कहां लिख देंगे? कैश के अंदर 2860, और डिस्काउंट कितना है 40। 26 तारीख पारुल का चेक बैंक में जमा किए, तो हम बोले सर पारुल का चेक अगर हम बैंक में जमा किए तो हम तो चेक को कैश में लिखे थे, तो अब कैश से पैसा निकाल दीजिए और कहां डाल दीजिए? बैंक में। सर क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा? हम बोले हां। 26 तारीख टू कैश, पैसा किसमें लिखेंगे? हम बोले बैंक में। कितना रुपया? वही चेक का पैसा, और कैश से पैसा चला जाएगा सितंबर 26 बाय बैंक, पैसा बैंक में चला गया 2860। क्या ये सारा बात डिस्कस है? हाँ ये सब पहले से डिस्कस है। फिर लिखा है कैश निकाले बैंक से, सर ये भी एक कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश निकाले तो सर कैश में पैसा आया और बैंक से पैसा गया, तो कैश में पैसा आया तो डेबिट साइड में, टू बैंक, पैसा किस में लिखेंगे? कैश में। कितना रुपया? 4000। डेट है सितंबर 28, कैश में पैसा आया, क्योंकि बैंक से पैसा निकाले तो मेरे पास तो पैसा आया ना, बिजनेस के पास तो पैसा आया, तो सर पैसा आएगा तो डेबिट में, तो कैश में आया। बैंक से निकाले तो बैंक से तो पैसा गया, तो सर क्रेडिट में। नाम किसका लिखेंगे? कैश का। कितना रुपया गया बैंक से? 4000। लास्ट पेड रेंट बाय चेक 1600, बोल रहा रेंट का पेमेंट किए चेक से, सितंबर 30 पैसा गया, लेकिन कहां से गया? हम बोले सर बैंक से 1600। चलो जोड़े और सीडी निकाले। क्या सीडी डिस्काउंट का निकलता है? नहीं, डिस्काउंट का सीडी नहीं निकलता है, तो डिस्काउंट सिर्फ जोड़ लो, डिस्काउंट का बात खत्म। आओ कैश को जोड़े, 6000 1960, 10000 2860 और 4000, जोड़े कितना आएगा? 24820। इधर भी लिख दो 24820। सितंबर 30 बाय बैलेंस सीडी, जैसे हम लोग जानते हैं कि सर बैलेंस सीडी जिस मंथ में बनाते हैं उस मंथ के आखिरी डेट को लिखते हैं, हम बोले हां। तो सर 24830 में दो, फिर एक और दो, दो तो चार, 6860 रुपया घटा दीजिए, हम बोले ठीक। कितना बचेगा सर? 17960। चलो बैंक को जोड़ो, 24 और 2 26 और 1 27 और 2 29860। उसमें से माइनस कर देंगे 3000, फिर 2900, 1200, 4000, 1600, कितना बचेगा? 17160। तो ये हम लोग क्या बन गया? कैश बुक। फिर सर यही बैलेंस सीडी अगले दिन नेक्स्ट डे क्या बन जाता है? बीडी, फर्स्ट अक्टूबर, सितंबर के बाद फर्स्ट अक्टूबर को क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी, अगला महीने का बैलेंस ये है स्टार्टिंग बैलेंस। तो ये हम लोग क्या बन गया? कैश बुक, कि सर सितंबर मंथ में इतना कैश बचा हुआ था, जबकि सितंबर में कितना कैश और बैंक से स्टार्ट किए थे? हम बोले सर 6000 24000, इंड में कितना बचा? 17960 और 17160 रुपया।
तो ये हम लोग क्या बना लिए अपना क्वेश्चन नंबर 4 का ए, जो कैश बुक का क्वेश्चन था और काफी सिंपल था, ऐसा क्वेश्चन स्टडी मैट में भी अवेलेबल है। लिखिए,